पेड़ों के पत्ते तक मुरझा कर झड़ गए, आकाश में बादलों का नाम तक नहीं, देश भर में हाहाकार मच गया। लेकिन सभी दुखों का अंत होता है, फिर से आकाश में बादल उमड़ आए। जमीन अब कैसी हो गई है? इसके साथ लिपटी चली आ रही है भैया, जैसे बातें कर रही हो। अरे मेरी बहू ने मन्नत मानी थी ना, उसी का फल है, तो मिठाई खिलाओ। भैया, और मेरी बहू ने जो अपने खून का चढ़ावा किया था, हाँ भी के मैंने व्यक्ति किया। जब तू मेरे लिए खाना लाया करेगी तो दूर से रुन झुन की आवाज आया करेगी, बहुत मजा है। छोड़ो भी, अब क्या मेरी पायल पहनने की उम्र रही है? तो तू बूढ़ी हो गई है क्या? वाह, आइडियल सिचुएशन। चलिए ठाकुर साहब, आपके दौलत खाना पर चल के बातें करेंगे। तशरीफ लाइए, आइए। ये जमींदार जी की मोटर आज यहाँ कहाँ? इन्हीं दिनों यहाँ इनकी मोटर को पहले भी दो एक बार देखा है। जमींदार जी के साथ जो दो तीन आदमी हैं, वो शहरी मालूम होते हैं। तब तो जादव ठीक ही कहता था, जमींदार जी यहाँ एक मिल बनाना चाहते हैं। ये क्या एक नई मुसीबत? तब तो हम सबको खेतीबाड़ी हटानी पड़ेगी। अरे भाई, जमीन जमींदार जी की, वो जो चाहे सो करें, हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं? लेकिन सारी जमीन तो जमींदार जी की नहीं है, बीच का ये दो बीघे का टुकड़ा तो शंभू का है। शंभू अगर अपनी जमीन न बेचे तो यहाँ मिल बन ही नहीं सकती। क्यों रे शंभू, तू बेचेगा अपनी जमीन? पागल हो गए हो क्या? मैं अपनी जमीन कभी नहीं बेचूंगा। मुट्ठी में है, मैं आज ही सब बंदोबस्त किए देता हूँ। हाँ, आप कर ही लीजिए। बीच का ये टुकड़ा न मिलने से हमारा इतने दिनों का प्लान सब तर-तर फंस हो जाएगा। देखिए ना, हमने तो प्रोस्पेक्टस भी छपवा लिए हैं। द ग्रेट जनता मिल्स लिमिटेड, चेयरमैन रईस ए आजम ठाकुर हरनाम सिंह जी। हमारी तो पूरी तैयारी है ठाकुर साहब, बस जमीन मिलने ही की देर है। अजी जनाब, जमीन की कोई फिक्र नहीं, फिक्र तो इस बात की है कि आपके साथ बिजनेस करने में घर के बहुत से पैसे को बाहर करना पड़ेगा, और वो भी इस जमाने में। लेकिन ठाकुर साहब, पैसा ही पैसे को खींचता है। इसके अलावा सरकार अब जमींदारी को तो रहने नहीं देगी, फिर इंडस्ट्री की तरफ ही क्यों न कदम बढ़ाया जाए। ठाकुर साहब, कहावत है ना, वाणिज्य वस्ती लक्ष्मी। मिल लगने से ये गांव गांव नहीं रहेगा, शहर बन जाएगा। घर घर में बिजली के लैंप लगेंगे, सर पर पंखे फर फर करेंगे। हाँ, कितने ही मेहमान साहब जहाँ आया करेंगे। सरकार कौन? शंभू। हाँ हाँ, बैठ। नायब जी, वो कागज लाइए। अभी लाया हजूर। तुझे खुशखबरी सुनाने के लिए बुलाया। क्या खुशखबरी है हजूर? मैंने तय किया है कि गांव का रूप ही बदल दूं, यहाँ एक मिल लगवाऊंगा, तमाम रास्ते पक्के बनवा दूंगा, घर घर बिजली की बत्तियां जला करेंगी, तुम सबकी भलाई होगी। हजूर हमारे माए बाप हैं, आप हमारी भलाई ना करेंगे तो और कौन करेगा? मगर ये सब तुम लोग समझते कहाँ हो, फिर भी इन सब में तू समझदार है। ले जरा अंगूठे का निशान तो लगा दे इस कागज पे। इसमें क्या लिखा है जो? अरे कुछ नहीं, वही गोपीपुर में मेरी जमीन के साथ लगती हुई जो तेरी दो बीघा जमीन है, वो मुझे चाहिए, वही मैं मिल लगवा रहा हूँ। ले अंगूठा लगा दे झट से। इसके बदले में जो मैंने कर्जा तुझे दिया है वो सब माफ कर दूंगा। मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगा, थोड़ी सी मोहलत दीजिए हजूर। मुझे गरजमंद समझकर कस रहा है। अच्छा ठीक है, कर्जे की माफी के अलावा कुछ रुपए और भी दे दूंगा। जमीन तो किसान की माँ है हजूर, माँ को बेच दूं? अबे रहने दे, जमीन पर मिल लग जाने से माँ बाप बन जाएगी। जमीन से तुझे क्या मिलता है, मिल में मजदूरी करके भर पेट खाएगा, आराम की नींद सोएगा। हजूर, पेड़ को मट्टी से उखाड़ कर सोने में लगा दे तो क्या वो बच सकता है? अरे बड़ी बड़ी बातें रहने दे, तेरे ही भले की कह रहा हूँ, अंगूठा लगा दे। नहीं हजूर, जमीन मैं नहीं बेचूंगा। क्या क्या कहा, नहीं बेचेगा? अरे मेरा कहा न मानकर अपने ही हाथों अपना सत्यानाश करने पर क्यों तुला हुआ है? जमीन चले जाने पर ही तो किसान का सत्यानाश हो जाता है हजूर, और फिर उस जमीन पर तो हमारा 7 पीढ़ी पुराना मकान है,
नहीं हजूर, जमीन तो मैं किसी हालत में नहीं बेच सकता। ये मजाल, इतनी जुरत। अच्छा तो कल तक मेरी सारी रकम मैं सूद के चुका जाऊं। कल तक? चार दिन तो दीजिए सरकार। काफी मोहलत दे चुका हूं, तुम लोग शराफत से पेश आने के काबिल ही नहीं। मेहरबानी कीजिए सरकार, मैं ये मेरा आखिरी फैसला है, निकल जाओ यहां से। सरकार दया कीजिए, सरकार सरकार। 5 बरस। जा बचवा, जरा अपनी स्लेट और पेंसिल तो ले आओ। बापू, तुमसे एक जरूरी सलाह करनी है। क्या है? क्या है बाबा? जमींदार से लिया हुआ सारा कर्जा कल ही चुका देना पड़ेगा बाबा। कल ही? हाँ, नहीं तो अपनी जमीन नीलाम हो जाएगी। नीलाम? ये तो जुनून है। इतनी सी जमीन का ही तो आसरा है, ये भी हाथ से निकल गई तो भूखों मरना पड़ेगा। आखिर तूने क्या सोचा है? कुछ सोचा ही नहीं जाता बापू, पर कुछ तो करना ही पड़ेगा। आया हूँ बापू। आ गया बेटा। हाँ। तू तो सब हिसाब सीखा है ना। हाँ। जरा सब जोड़ के बता तो लिख। बीज के लिए धान 2 बरस का 20 रुपए, 20 रुपए। मामला 3 बरस का 12 रुपए, 2 छकड़े फूस 8-8 रुपए। जरा ठहर ठहर कर बोलो बापू, सब गड़बड़ हो जाती है। 8 और 8 = 16 और मिलाए 12 तो हुए 28। हाँ। और नकद लिए थे 3 रुपए 1 बार, 7 रुपए 1 बार और 2 रुपए 1 बार। इन पर सूद कितना होगा? बहुत होगा, 5 रुपए। 5 रुपए लिख, 5 रुपए। सब मिलाकर कितने हुए? जरा ठीक से जोड़ना, गड़बड़ ना हो जाए। 65 रुपए। 1 साथ इतने कहां से मिलेंगे? सब बेच दूंगा, घर में जो कुछ होगा सब बेच दूंगा, जमीन तो बचानी ही पड़ेगी। अजी कुछ बोलो भी मुंह से। किस मुंह से कहूँ पार्वती, मैं तुझे कभी कुछ बनवा के नहीं दे सका। ओ, तो बाप के दिए हुए ये झुमके भी लेना चाहते हो? नहीं नहीं, ये तो मैं पहले ही समझ गई थी। नहीं नहीं पारो, रहने दे, तेरे मन को दुख होगा। मेरे मन के दुख से तुम्हें क्या? मुझे भी क्या दुख नहीं होता पारो, पर क्या करूं, अगर जमीन बच गई तो फिर ये सब हो जाएगा। आपके दिए पैसों का कर्जा आ चुका रहा, पर आपकी दया का कर्जा तो कभी भी चुका नहीं सकता सरकार। मेरे हिसाब में आपके 65 रुपए निकलते थे। नायब जी, खाता देखकर बताइए तो इसके में कितने बकाया है? जी, खाते में बाकी लगान, बीज के लिए धान, नगद वगैरह सब मिला के कुल 235 रुपए 8 आने इसके नाम लिखे हैं। ये किसका हिसाब देख रहे हो नायब जी, जरा ठीक से देखो ना। ओह, तो शायद मुझसे भूली हुई। तेरा नाम शंभू महतो तो नहीं है? हाँ हाँ, शंभू, शंभू महतो। तब तो तेरा ही हिसाब है। इसे हिसाब ठीक तरह समझा दीजिए, कहीं ये न समझे कि मैं इसे ठग रहा हूँ। अरे राम राम राम, आप जैसा धर्मात्मा और देख तो ये तेरे ही अंगूठे का निशान है ना। उस अकाल के वक्त 20 रुपए मन की दर से 5 मन चावल गिनिएगा। मेरे बाप ने पूरे 1 साल तक खजूर के बागीचे में बिन पैसे काम किया है, इस पर भी उन चावलों के दाम पूरे नहीं हुए। जरा इससे पूछो तो उस कहत के जमाने में जो इसका बाप हर रोज एक वक्त खाना निकलता था, वो कहाँ से आता था? हजूर, मैं बाप मैं गरीब बिल्कुल मारा जाऊंगा। हजूर हजूर, थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए हजूर, मैं सारी रकम चुका दूंगा, जो भी होगा चुका दूंगा। हजूर हजूर, मैं बाप ने आपके पाँव पकड़ा हजूर। आज जिसके पाँव पकड़ रहा है, कल उसी से सीना तान कर कह रहा था कि जमीन नहीं बेचूंगा। बस अब जो कुछ कहना है कचहरी में कहना। मुझे कुल 65 रुपए ही देने। जो बात तुमसे पूछी जाए सिर्फ उसी का जवाब दो। 30 रुपए मन की दर से 5 मन चावल तुमने उधार लिए। मगर हजूर, मेरे बाप ने बेगार में। तुम्हारे बाप के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, तुमने उन चावलों की कीमत चुकाई? नहीं हजूर, तुम्हारी तरफ 3 बरस का लगान बाकी है। 1 बरस का हजूर, 2 बरस का लगान तो मैं दे चुका हूँ। उसकी कोई रसीद है? रसीद तो नायब जी ने दी नहीं हजूर। अगर नायब जी ने कोई रसीद नहीं दी तो और कोई सबूत है या कोई गवाह है? गवाह? गवाह तो कोई नहीं हजूर, भगवान गवाह हजूर। सिर्फ उसी को बुलाओ, फिर वही गवाही दे जाए। दिस इज अ पॉइंट योर ऑनर। तो तुम्हारी तरफ 5 मन चावल, बीज के लिए धान, बाकी लगान, 2 छकड़े फूस और 50 रुपए नकद, ये सब मिल मिला के कितने हुए? 65 रुपए हजूर। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मुद्दई ठाकुर हरनाम सिंह व ठाकुर जौहर सिंह साकिन रायपुर की मुदायला शंभू महतो व गंगू महतो साकिन गोपीपुर के खिलाफ दी हुई दरखास्त
जिसमें मुद्दई ठाकुर हरनाम सिंह अपने 235 रुपए 8 आने के कर्ज के इवज में मुदायले शंभू महतो की जमीन व जायदाद पर कब्जा करने की इजाजत चाहता है, अदालत नामंजूर करती। लेकिन मुदायले शंभू महतो कोई भी ऐसा सबूत पेश नहीं कर सका जिसमें मुद्दई ठाकुर हरनाम सिंह का दावा झूठा साबित हो सके, इसलिए अदालत की राय में शंभू महतो को यह कर्ज चुकाना ही पड़ेगा। मगर उसकी माली हालत को देखते हुए अदालत उसे 3 महीने की मोहलत देती है। अगर इस अरसे में भी शंभू महतो सारा रुपया ना चुका दे तो ठाकुर हरनाम सिंह उसकी जमीन जायदाद नीलाम करा ले। हजूर, इतनी कम मोहलत में मैं सारा रुपया कैसे चुका सकूंगा? मेरा बुढ़ा बाप है हजूर, मेरा छोटा सा बच्चा है, अब मैं भूखे मर जाएंगे हजूर। इस जमीन के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है हजूर। हजूर। पर वो नहीं पिघला। अरे पिघल चुका वो पत्थर, हमारी मुसीबतों से ही तो उसे लाभ है। अरे हाँ, एक बात तो मैं तुझसे कहना ही भूल गया, मेरा जवाई कल कलकत्ते से लौट आया। आ गया राम? हाँ आ गया। शहर जाकर तो लोग बिल्कुल ही बदल जाते हैं, अब कौन कह सकता है कि वो मेरा जवाई है? इतना लंबा कोट पहनता है, कमर में बैलेट बांधता है, जहाँ नौकरी करता है ना वहाँ से उसे पोशाक भी मिलती है। कहाँ काम मिला उसको? वो कलकत्ते में बड़ा भारी अंग्रेजी होटल है ना, क्या नाम उसका, हाँ फरप्पो, वहाँ बॉय का काम करता है। बॉय? वो क्या काम होता है चाचा? होगा कोई बड़ा होता, मैं क्या ये सब जानता। कल वो शहर की सब बातें सुना रहा था, कहता था कि कलकत्ते में तो रुपए बस हवा में उड़ते फिरते हैं, बस पकड़ो और जेबें भरते जाओ। तुम भी एक दफे कलकत्ते जाकर कोशिश कर देखना। कैसे जा सकता हूँ चाचा, कोई जान पहचान भी तो होनी चाहिए। अरे जान पहचान तो जाने से हो ही जाएगी, यहाँ गाँव में बैठे बैठे 3 महीने में क्या इतनी बड़ी रकम जुटा सकेगा तू? क्यों, क्यों तो वहाँ जाने पर ही होगी बापू, तुम फिक्र न करो, मुझे जाने दो। कहाँ जाओगे बापू? कलकत्ते। कलकत्ते? वहाँ तो रेलगाड़ी पर चढ़कर जाना होता है ना दादू? हाँ बेटा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा बापू, मैं कभी रेलगाड़ी में नहीं बैठा। अरे तू किधर जाएगा, अभी मेरा ही वहाँ ठिकाना नहीं है। नहीं बापू, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अरे तू चला जाएगा तो तेरी माँ की देखभाल कौन करेगा? क्यों, तुम जो हो माँ की देखभाल करो, मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ। बड़ा न होने से शहर नहीं जाते। वाह देखो तो कितना बड़ा हो गया। बापू मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं कहता हूँ तंग मत करने, तो मार मार कर हड्डी पसली कर दूंगा, भाग जा। अब हमें शहर छोड़कर गांव में बसना चाहिए, गो बैक टू विलेजेस। देश के गांव आदर्श गांव बने, उन्हें सुधारना हमारा फर्ज है। लेकिन गांव को सुधारने से पहले आदमियों को सुधारना चाहिए। मर जाएंगे, सब मर जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। दवा खटमल मारने की दवा, 2 आना 4 आना 8 आना 1 रुपया। मेरे पास 4 रकम की पुड़िया है, जिस साहेब को चाहिए हाथ बढ़ा कर ले ले, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। बोली लाना भाई, ये किधर लाओ। बच्चा तू यहाँ कैसे? अब तो आ ही गया बापू, नाराज ना होना, मैंने रामू से कह दिया था, उसने माँ को बता दिया होगा। नालायक, तूने कह दिया बस सब हो गया? जरूर वो बेचारी चिंता के मारे मरी जा रही होगी। बाबू कन्हैया का तो कहीं भी पता नहीं मिलता, सब जगह खोज। अच्छा आला, क्या चाहिए? मुझे यहाँ रहने की जगह मिल सकती है? नहीं नहीं, यहाँ जगह तगा नहीं है। मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, मेरे बच्चे को बुखार हो गया। तो मैं क्या करूँ, जगह नहीं है, रास्ता देखो। क्यों दादी, वो पंजा मिस्त्री वाला कमरा अब तक खाली है ना, देख लो इन बिचारों को। तू सब सुनो बाबा, एक कमरा खाली है, रोज का 6 वाला भाड़ा लगेगा, 7 दिन का भाड़ा एडवांस हो। ओमा इंग्रेजी भी नहीं समझता? अरे पेशगी देना पड़ेगा। और सुन, 3 दिन का भाड़ा बाकी रहने से झाड़ू मार के निकाल दूंगी। ला पेशगी पैसा ला। पैसा तो मेरे पास नहीं। अरे धक चट्टा, पैसा नहीं तो भाग भाग यहाँ से। अरे ओ नवाब के बेटे इधर आ, गुस्सा दिखा कर चला तो जा रहा है, उस रोगी बच्चे को कड़कती धूम में घुमा घुमा कर मारना चाहता है। जेब में ने काना कौड़ी और दिमाग है 16 आने। आ मेरे साथ आ। ले ये है कोठरी, कहाँ है तुम्हारा बिस्तर बिछाना? बिस्तर बिछाना तो कुछ नहीं, जो था सब चोरी हो गया। हाँ हाँ, सभी आके यही कहते हैं, वो रोगी बच्चा सोएगा कहाँ, अब बिस्तर भी मैं ही जुटा कर दूँ। अच्छा आदमी को घर भाड़ा दिए। ए रानी, एक चटाई ला दे। अच्छा देखो बाबा, ये चटाई लेकर कहीं भाग ना जाना।
हाँ, 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 हाँ सुन, आज सांस तक भाड़ा मिलना ही चाहिए मुझे। अच्छा, चिंता ना करो भैया, अच्छे हो जाओ। भाई तुम मेरा एक काम कर दोगे? क्या? वो मेरी इच्छा है ना, रिक्शा हाथ गाड़ी, हाँ, जहाँ बैल बंधे ना वहां पर रखी है, हाँ, उसे रिक्शा मालिक के पहुंचा दोगे। अगर भोर होने से पहले ना पहुंचा दी गई तो वो मुझसे एक दिन का किराया और ले लेगा। पर मुझे तो यहाँ के रास्ते मालूम नहीं। कोई बात नहीं, बड़ी सड़क पर जाके किसी से भी पूछ लेना कि नंदी बाबू की रिक्शे की खटाल कौन सी है। नंदी बाबू की खटाल? हाँ। अच्छा भैया, पहुंचा दूं। लेकिन देखो, तुम्हारे पास रक्षा का लाइसेंस नहीं है, पुलिस से जरा बच कर जाना। हाँ। अच्छा रोके। नहीं बाबूजी, ये गाड़ी नहीं जाएगी। नहीं बाबूजी क्या? ना। नहीं बाबूजी। नहीं बाबूजी क्या? चल, मुझे स्टेशन जाना है, नहीं तो पुलिस बुलाता हूँ। इधर ला, रख, पीछे रख, रख। बस बस रोके। अबे नीचे रख, उतरूंगा कैसा? नहीं नहीं मालूम होता है। दोने है? दोने? ले, अच्छा ले। आठाने? बड़ा जानलेवा काम है। होने दो भैया, अगर 2.5 महीने में 235 रुपए नहीं कमा सका तो मेरी जमीन जायदाद सब हाथ से निकल जाएगी। तुम मुझे कायदा कानून सिखाकर लाइसेंस का बंदोबस्त कर दो। लाइसेंस मिलना इतना आसान नहीं। खैर, मैं अच्छा हो जाऊं तो मैं सब कुछ सिखला दूंगा, सब कुछ सिखला दूंगा। रोको। अरे क्या करता है, रिक्शा उलट जाएगी, इस तरह कहीं रिक्शा रोकते हैं? तुमने तो कहा रोको। हाँ हाँ, मगर रोको सुनकर रिक्शा को आहिस्ता करके बाएं हट के रोकना था। अच्छा अच्छा, थोड़ी मेहनत और कर लो, साफ ठीक। शाबाश, अब तो तुम बिल्कुल सीख गया। बापू बड़ा मजा आ रहा है, जरा तेज चलाओ ना। और तेज बापू, और तेज, और तेज बापू, और तेज। साधु संग हरदम फिर छोड़ दो रंग। बापू आ गए, बापू आ गए। ये ले बेटा, जरा टाइम तो देखो। कहो शंभू, आज का दिन कैसा रहा? अच्छा रहा भैया, रिक्शा मालिक का किराया चुकाकर कोई 150 रुपए बचे थे। बच्चे के पास पहनने को कुछ नहीं था, उसके लिए गंजी ले आया। बड़ा अच्छा किया। अब बेटा दिखाओ। वाह वाह, क्या कहने, तू तो इसमें बड़ा सस्ता है रे। हाँ हाँ, बिल्कुल राजकुमार मालूम होता है। अरे कौन राजकुमार आ सकता यहाँ? देखो ना दादी, कन्हैया बिल्कुल राजकुमार मालूम होता है। हक कर दी तूने भी रानी, एक रिक्शा वाले का लड़का और राजकुमार। अरे मुँह क्यों देखता है, नया कपड़ा पहना, बाप के पाँव तो छू। अरे बस 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 बस, देख ये पैसे गिन के और संभाल के अंदर रख दे। अच्छा बाप, अब तो भैया एक एक पाई को दांतों से पकड़ना पड़ेगा। ठीक कहते हो। बहू तुझे तो आजकल रोज बुखार हो जाता है, और 1000 बार मना करने पर भी तू फिर गहरे पानी में घुसकर सिंघाड़े तोड़ लाई। क्या करूं बापू, पेट भरने के लिए कुछ कुछ तो चाहिए। हम
हम गरीबों के पास तो और कुछ नहीं है। अगर ये पापी पेट भी न होता तो गंगू महतो घर में हो कौन और कौन? वही बेशरम नायब है। इस निगोड़े के मारे तो रास्ता चलना मुश्किल हो गया है। कहीं देख लेता है तो आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लग जाता है। आज कर ही पे आ गया है। जाओ बापू, तुम उसे बाहर ही जाकर बात करो। क्या बात है, कोई आहट तक नहीं मिल रही? ओ ये रहा। पास से गुजर रहा था, सोचा तुझसे मिलता चलो। अरे तुझे हो क्या गया है? हम आए हैं, तूने बैठने तक को नहीं कहा? ओ, हाँ। अरे बहू जरा चटाई तो दे जाना बेटी। गंगू क्या हाल चाल है? हमारा क्या हाल चाल होगा बाबू? है ये शंभू की बहू है ना? जी हाँ हुजूर। क्या शक्ल निकल आई है इसकी, हाय 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 हाय, क्या रूप था बहू का। उसे तो आजकल रोज बुखार हो जाता है, उस पर न कुछ खाने को न पीने को। खाने पीने क्यों नहीं? क्या शंभू कलकत्ते से कुछ नहीं भेजता? कहाँ हुजूर, उसे गए आज 20 दिन हो गए, एक चिट्ठी तक नहीं आई। एक चिट्ठी तक नहीं आई? सुना है वो तो वहाँ गुलछर्रे उड़ा रहा है और तुम्हें खबर तक नहीं देता। मेरा शंभू अच्छी तरह है ना नाथ जी? अच्छी तरह है? मैंने अरे बहुत अच्छी तरह है। अभी कल ही मेरा भतीजा कलकत्ते से आया है, वो वहाँ रास्ते में शंभू से एक दिन मिला था। शंभू ने उसको देखकर मुंह फिरा दिया, बात तक नहीं किया। अरे वही जो शहर में जाकर होता है। यानी कि शंभू अब बिल्कुल बहक गया है। लेकिन हमारे रहते हुए तुझे किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। बहू को हमारे घर भेज देना, उसे गेहूं और चावल वगैरह दे दूंगा। और हाँ बुखार की शर्तिया दवा भी है मेरे पास, वो भी दे दूंगा। अभी तो मैं बाहर जा रहा हूँ, शाम को बहू को भेज देना। शंभू की बात सुनकर के तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। गोविंद गोविंद। अच्छा मैं चला। बहू सुन लिया ना नायब जी शंभू के बारे में क्या कह गए? नहीं नहीं बाबू, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये सब उसका ढोंग है। तेरी बात ठीक हो बेटी, राम करे तेरी बात ठीक हो। रिक्शा वाले, हम लोगों को 4 बजे की छुट्टी होती है, ठीक वक्त पर आना। हाँ हाँ अच्छा। देर न करना, मुझे बहुत भूख लगती है। हाँ हाँ अच्छा, बिल्कुल देर नहीं करेंगे। लालू उस्ताद। ओ लालू उस्ताद। कन्हैया यार तू पूरा चपड़ घनचूर, काम से जा रहा है तूने टोक दिया। कहाँ जा रहे थे? बगदाद है। अबे यार बगदाद सिनेमा, रंजन है उसमें। वाह वाह क्या तलवार चलाता है। सेट सेट सड़ा आ, क्या जान से मार देता है। हाँ चल चलता है ना बाबा। अबे चल मैं दिखाऊंगा, आज जेब गरम है अपनी, सालिम 2 रुपए कमाए। हाँ 2 रुपए इतने कहाँ से मिले? अरे जूता पॉलिश करके। आज एक असली साहबा फंसा, ऐसा जूता पॉलिश किया के बेटा कायल हो गया। हैंडशेक करके अंग्रेजी में बोला वेरी गुड फर्स्ट क्लास, और फटाक से 2 रुपए हाथ पर धर दिए। 2 रुपए वही बैठ के जूता पॉलिश करते हो? अबे चटनी के, मेरा एक ऑफिस छोड़ी, आजकल पार्क स्ट्रीट में बैठक होती है अपनी। अच्छा टाटा है। अबे टाटा। चीरे बदाम दाल छोला। क्या बचीवा, क्या बात है? बाबा तुम मुझे एक बक्सा बना दोगे? कैसा बक्सा रे? जूता पॉलिश करने का। वो तो क्या करेगा? बापू की तरह तुम्हारी तरह मैं भी कुछ कमाऊं। अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ ना, मैं भी कुछ कमा सकूं तो बापू का भार जरा हल्का हो जाए। शाबाश मेहनती बाप के मेहनती बेटे, बना दूंगा जरूर बना दूंगा। इस वक्त रात हो गई है ना, कल बना दूंगा। अच्छा पर बाबा बापू को अभी नहीं बताना, जब मैं उन्हें बहुत पैसे कमा के दूंगा ना तो वो हैरान रह जाएंगे। अच्छा 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 बाबा अच्छा। हाय रे गरीबी, इन खेलने और खाने के दिनों में भी कमाई की चिंता। क्यों बाबा, बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल वैसा ही।
इस गर्म दोपहर में आग मूंद कर जरा सुस्ताने लगी थी कि बस शुरू हो गई तुम्हारी खटखट। ओ एक बुरा खुशाद भी साथ शामिल है। किछु ना माँ, खोखा जो ने एक खिलौना बनाची। थाम थाम तो क्या बांग्ला बोलता हवे। हम तो एक रिक्शा बना रहे थे दादी तुम्हें बिठाने के लिए, लेकिन बाबा रिक्शा तो जरा छोटी पड़ेगी ना, बल्कि तुम्हें एक लारी बना दो। मैंने भी मस्कारी उड़ाता है, ठहर जा जा हूं। ए रानी जब हम अब देखो अब ये सब बंद करो। बन गया माम, बन गया बन गया। अरे हाँ बचुआ, हाथ लगा सकता है ना? हाँ हाँ। तो जरा बता के भला कैसे? वाह ऐसे। आ बाबू जी आ, गुड पॉलिश गुड पॉलिश, एकदम बढ़िया पॉलिश, जूते में चमक आ जाएगी बाबू, जूते में जान पड़ जाएगी। आ बाबू आओ, पॉलिश करने का क्या लेगा? सिर्फ दो आना बाबू जी, आप तो कोई ज्यादा थोड़ी लेगा। एक आना देगा? एक आना, एक आने में जूता पॉलिश नहीं होगा, सिर्फ पैर पॉलिश हो सकता है। अच्छा। अरे कन्हैया तू आज तो बड़ा सज रहा है रे, आ बैठ, तू भी हमारे ऑफिस में भर्ती हो जा। वो साला क्या पॉलिश करेगा, अभी कुछ भी नहीं जानता। कन्हैया तो अपना काला पॉलिश तो दे। मेरे कन्हैया ये 6 पैसे तेरे और 2 पैसे मेरे। वाह मैं क्यों नहीं, मेहनत तो तुमने की है। दूं एक रुपया? मैं कहता हूँ ले। तू समझ रहा था मैंने तेरा ग्राहक छीन लिया है? अबे तू अनाड़ी है, उस बाबू ने मोजा पहन रखा था, अगर गलती से उसके मोजे पर पॉलिश लग जाता तो उसका पैर जूते समेत धड़ाम से खोपड़े में पड़ता। मेरे पास काला पॉलिश नहीं बाबूजी, उसके पास करे फर्स्ट क्लास पॉलिश करता है। हाँ बाबू। घर पे कन्हैया बाबूजी का पॉलिश कर। ओ बाबूजी पॉलिश बड़े बाबू, कलकत्ते में आए के पॉलिश ना कराए के चले नहीं जाना, ओ बाबूजी चले नहीं जाना, ए, 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 चले नहीं जाना। अरे आहिस्ते, इतनी देर कहाँ करती, तेरा बाप कब से आके बैठा हुआ है? पता आपको आमदनी हुई? हाँ बाबा, आज मैंने 12 आने कमाए हैं, और देखो माँ के लिए मैं 2 लाल चूड़ियाँ खरीद रहा है। शाबाश, अच्छा किया। अच्छा बाप को पैसे दिखा के चौंका दिया। अच्छा आगे जा, जा। इस कूपन पर कुछ लिखा है? क्या लिखा है भाई, जरा पढ़ दो ना, हम दोनों को तो पढ़ना नहीं आता। बापू ये 48 रुपए 8 आने भेज रहा हूँ, हर 15 दिन बाद भेजा करूंगा, संभाल के रखना। हम दोनों ठीक हैं, अपना पता लिख दिया है, चिट्ठी लिखना इति शंभू। फिर लिखा है इन रुपयों में कन्हैया की कमाई भी शामिल है, लो। बापू, बापू, ये तुम्हें क्या हो गया बापू? लो शुरू कर दिया, इसमें रोने की क्या बात है, हम तो है जरा चोट लगी है, 2 दिन में ठीक हो जाएगी। बचुआ ये नहीं दवा, अस्पताल वालों ने कहा है कि 10-15 रोज बिछाने से नहीं उठाना चाहिए, खून ज्यादा निकल गया है, इसलिए खाना पीना जरा ठीक करना चाहिए। एक प्याली तो ले अभी। नरो बचुआ, नरो बचुआ। दूध तो नहीं है, मेरे दादी ने ये बाली भिजवाई है। दूध नहीं है? उठो तुम, बहुत देर से बैठे हो, लाओ मैं हवा कर देती हूँ। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब ये सो रहा है इसे आराम करने दो, आओ चलो। देखो दादी बापू रिक्शा चलाने जा रहे हैं। अच्छा तूने मरने के लिए एकदम कमर कस ली? तो सब जानती हो मासी, अभी लेट आया है तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, मुझे जाना ही पड़ेगा। कहती हूँ मत उठो, सुनो उठो मत, उठो मत। अरे बैठ गया, अच्छा ही हुआ, 1000 बार मना किया कोई माने तब ना। इससे तो मजा नहीं अच्छा है। लेट जा, लेट जा, फिर उठेगा तो दूसरी टांग मैं तोड़ दूंगी, लेट जा।
ओ राजा के बेटे, खूब मटक मटक के तो चल रहा है, तेरा बाप दिनों दिन कमजोर होता जा रहा है, कुछ ख्याल है? लौटते हुए उसके लिए फल खरीद लाना। परिश, 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 एक एक करना, परिश। अरे कन्हैया, आज इतनी देर कैसे हुई? कैसी तबीयत है तेरे बापू? ठीक नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि बापू को अच्छी खुराक खानी चाहिए, लेकिन मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? अबे लालू उस्ताद के होते तू क्यों घबराता है? बैठ। सुन लिया भजुआ, कन्हैया के बाप की तबीयत खराब है, जूता पालिश दो पैसे हम उसे देंगे, समझा? वाह, मैं क्यों दूं? अबे इनकम टैक्स से देने पड़ेगा। बेटा क्या कर रहा है? क्या करूं भाई, मेरा बक्सा तोड़ दिया गया। अरे मार बक्से पे गोली, चल मेरा साथ। कहां? रे आज रेस का दिन है, गहरा गप्पा हाथ लगेगा। कैसा गप्पा? अरे चलना तू। आडाना फाइनल वाला रेसी, रेसी, रेसी फाइनल वाला आडाना। जेब में लेकर फाट मार, ला कलम तो ला, ना ये भी नकली बात कर। अभी आजकल के बाबुओं को भी न जाने क्या हो गया, असली माल लेकर बाहर निकलता ही नहीं। ले इसे तू ले ले, इसे बेचकर एक आध रुपया तुझे मिल जाएगा। नहीं नहीं, मुझे चोरी का माल नहीं चाहिए। ओह साधु महाराज, ठीक है ना, ले ला गाड़ी निकाल। मार लिया मैदान है? असली सोने की मालूम होती है, इसे पान वाले के पास बिक्री करने से कम 300 रुपए मिलेंगे। 300 रुपए? 300 रुपए तो 265 रुपए से ज्यादा। हाँ बे बुद्धू हाँ, क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? क्या तुम मुझे उसमें से 50 रुपए दे दोगे? इतने रुपए कमाने में तो तुम्हें एक घंटा भी नहीं लगता, और सिर्फ 50 रुपए के लिए मेरी माँ को उपवास करना पड़ता है। मेरा बाप मरने के करीब है, हमारा घर बार जगह जमीन सब कुछ चला जाएगा, मुझे रुपए दोगे? अरे अरबिया जी का चाहिए रुपए नहीं लूंगा, बस यही पहली बार और आखिरी बार, फिर कभी नहीं मांगूंगा। 50 रुपए मिलते ही हम लोग गांव चले जाएंगे और जमींदार का सारा कर्जा चुका देंगे। मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, तुम मुझे रुपया दोगे ना? तुम मुझे रुपया दोगे ना? इस तरह भीख मांगते तुझे शर्म नहीं आती? रुपए के लिए तू चोर के पापा, जा दूर रह यहां से, तू जैसे भिखारी का मुंह देखना भी पापा। क्यों बे इस तरह मुंह फुला कर क्यों बैठे? अच्छा मेरे पांव दबा दे, तू 10 रुपए ले लूंगा। जा घड़ी दे दे, अबे छोड़ दे घड़ी, क्या करता घड़ी जा लेकर पहले ना चल, घड़ी दे दे। तूने इस बार मुझे खूब गलत कर दिया, अब तक बाकी बिहारी को नहीं पहचाना। जा घड़ी, अगर मैं उठ पाता तो तुझे जिंदा ना छोड़ूंगा। अच्छा ले मेरे पंगे चला कर भाग, भाग यहां से। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे माफ कर दो, मेरा दिमाग खराब हो गया था। लो अब लड़कियों की तरह नाश कर दिया, ले इसे लेकर भाग ले। लेकिन तू बेचने जाएगा तो पुलिस तुझे पकड़ लेगी। अच्छा चल मेरा साथ, गोपी पान वाले को देकर तुझे 50 रुपए दिलवा देता हूँ, चल। एक मिनट भाग जा।
बापू ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या चीज लाया हूँ। दवाई संतरे। क्यों लाया? किसने कहा था लाने के लिए? डॉक्टर ने कहा था तो मैं तुझे हजार बार कह चुका हूँ, तू फजूल में पैसे जाया मत किया कर। देखो बापू मैं रुपए भी लाया हूँ, अब हम लोग जमींदार का सारा कर्जा चुका देंगे। रुपए? ये सब कहाँ से मिले? कहीं से भी आए बापू, तुम ये खा लो ना बापू। नहीं नहीं, जब तक तू नहीं बताएगा मैं नहीं खाऊंगा। ये सब किसने दिए? मेरे एक दोस्त ने बापू। दोस्त कौन दोस्त, क्या करता हूँ? वो बापू बोल। बापू वो पॉकेट मार है बापू। पॉकेट मार? पॉकेट मार? चोरी का माल लाया तू मेरे सामने? चोरी का माल? इंसान का बेटा होकर तूने चोरी की? चोरी चोरी बेईमान, चोरी। किसान का बेटा तो उसे फौरन ही कुछ इंजेक्शन और खून देने की सख्त जरूरत है। हॉस्पिटल की तरफ से ये कीमती दवाइयाँ नहीं दी जाती, तुम्हें ये सब लाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। मेरी जमीन बचाने के खून बहा बहा कर ये पैसे जमा किए, आदमी से खून खरीदूंगा। जो भी हो पारो जरूर बचा। शंभू मेहतो ने कर्ज की रकम अदा नहीं की, बल्कि वो अपनी बीवी और बच्चों को लेकर यहाँ से फरार हो गया। उसका बूढ़ा बाप गंगू मेहतो जो यहाँ है पागल हो गया है, लिहाजा मजबूर होकर उसकी जायदाद तो जमीन नीलाम करनी पड़ रही है। नीलाम करोगे? करूं? जरूर करूं। हमें घर से बाहर कर दिया तो इससे क्या हुआ? ये घर बहुत छोटा था, अब हमें बहुत बड़ा घर मिल गया है। सारी पृथ्वी ही हमारा घर हो गई। वो नीला आसमान हमारी छत का काम देगा। आगे यहां से।